Hey guys, welcome back to Amitan Kitto Jaiswal YouTube channel. ये रात का समय है, बज रहे हैं घड़ी में 11 बजने वाले हैं और उठ गया. मतलब मैं किचन में नहीं आ सकती हूँ. मेरा किचन में आना, आप रोगे तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगी. इधर आओ, आओ 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 आओ, चल ले सो. एक ऋतिक है भाई, इनको नशा है मेरी. आ गए और हमारे घर फोन आया है इतनी रात को, 11 बज रहा है. आए हैं, पहले नहाए हैं, ट्रेन से आए थे, नहाए धोए ब्रश किए, फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो. रेस्ट क्या मतलब, बैठ जाओ. और मैंने दिया नाश्ता पानी करने के लिए और उसके बाद मैं बना रही हूँ खाना, पनीर की सब्जी. और मैं जैसे कैसे बना रही हूँ, मनीषा के चाचा है ना, एक जब रील्स बनाए थे तब मैंने देखा था. आप इतना छोटा बैग क्यों लेके आए हैं? ज्यादा कपड़ा नहीं लाया. आप लड़के हो ना, इसलिए आपको चल सकता है. तो ये वाला ना बैग छोड़ के बड़ा वाला बैग ले चलना. कौन सा मसाला? ये मसाला डाल दी थी, ये वाला डाल दी थी. गाइस यहाँ पे हम मिल चुके और उसके बाद खाना पीना भी खा लिए. टेस्टी था, पता नहीं मेरे को तो लगता ही नहीं है. चलिए अच्छा लगा कि इनको टेस्टी लगा खाना. और पूरे दिन का सफ़र करके आए हैं तो थके होंगे, तो अभी रेस्ट करेंगे. तो से बात करें नहीं, कनेक्ट हुआ नहीं हुआ. देखिए क्या कह रहे हो आप, किट्टो एट द रेट स्मॉल डाल रहे थे ना, इसलिए नहीं हो. अच्छा, हो तो गया ना. हाँ, हो गया कनेक्ट. चलिए आप रेस्ट करिए सुबह, क्योंकि आप लोग को आप लोग तो पहचान ही गए होंगे कौन है, क्योंकि मनीष पहचान गए लोग ना. मनीषा के ब्लॉग में देखे होंगे, मनीषा के चाचा है, लेकिन मनीषा के सचिन भाई को जीजू बोलते हैं. क्यों? वो रिस्पेक्ट देते हैं, थोड़ा सा बड़े हैं ना तो. अच्छा हाँ, बड़े वो तो है, लेकिन पद बड़ा है ना. हाँ, बड़े हैं पद, लेकिन पद माना जाता है बड़ा. अब बड़े हैं तो क्या, लेकिन पद तो बड़ा है आपका ही. भले ही जैसे कि हमारे चाचा जो है, हमारे चाचा भले ही बड़े हैं, तो जैसे हमारी दीदी छोट, मेरी दीदी बड़ी है, चाचा छोटे हैं, लेकिन दीदी चाचा ही बोलते हैं, लेकिन हम उनको जीजू बोलते हैं. अच्छा, तो हम जा रहे हैं सोने. बाकी यहाँ पे तो मैंने सब कुछ बाबू का, अगर आपको करना तो कर लीजिए, लेकिन करेंगे फिर दम घुटेगा, ऐसे चालू करना पड़ेगा. आपको जैसा कंफर्टेबल हो. रिमोट, वहाँ रिमोट आपके सर के ऊपर है. हाँ, और वहाँ से ऑन करना है. वहाँ से पहले बटन ऑन कर लीजिए. नहीं नहीं, वहाँ से नीचे से. हाँ, वहाँ से ऑन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद. मैं आ गई कृतिक के पास, मैं भी सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है. The next morning. Good morning दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते. मैं यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश किया है. तो नहाने के बाद अब मैं थोड़ा सा बाल अपना क्या कर रही हूँ, मैं बाल अपना मैं सुखाऊंगी. सुखाऊंगी क्या, आजकल नेचुरली सूख जा रहा है. और उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने, पूजा करके आऊँगी. तो फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाऊँगी. बाकी आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो ये कृति कौन आया,
दौड़ के भागता है। हाँ तुम क्यों एक ही कैमरा पकड़े हो, तुमको दो फोन दिया गया है तो? कोई बात नहीं, रहने दो। अब मैं लगाने जा रही हूँ थोड़ा सा हेयर सीरम, क्योंकि हेयर सीरम मैंने अपना पैक कर दिया है तो थोड़ा सा। नाटक की कहेंगे हम बुखार हैं, हम नहीं आएंगे, जबकि इतना छुट्टी मिल रहा है तो भी इतना नखरा दिखा रही है, हम नहीं आएंगे। चलो हम बाद में हेयर सीरम लगा लिए, अब हम जा रहे हैं मन पूजा करने। ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में। A few moments later. के साथ हो जाए तो हमारा जो चलता है बहुत ही लाइट वेट चीज खाती हूँ, जिससे बर्गर खाए इतने बड़े बिना मसाले साले का बनाती हूँ पोहा। डाल देती हूँ अब हल्दी, बिना मसाले का बनाऊंगी। एक तरह मेरा दूध खोल रहा है, एक तरह मेरा चाय खोल रहा है। पूजा करने में इतना यहाँ करो मंदिर जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है, कुछ नहीं करो। और कल मैंने जो खाना बनाया था उसमें हम नमक डालना ही भूल गए थे। वो जो मनीषा के चाचा हैं वो तो उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन ये चिल्ला रहे थे कि नमक नहीं पड़ा है, नमक नहीं पड़ा है। पता ही नहीं चला मुझे नमक के बारे में। ये दूध पहले पियो, ये दूध फिनिश करो, दूध फिनिश करो। A few moments later. Hey guys, यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया है और मैं सोच रही थी जो भी हम लोग खाना मतलब नाश्ता पानी किए उसका बर्तन धुल के जाए, क्योंकि बर्तन लग गया क्या दीवार से होगा। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, बाकी यहाँ पे बाबू दूध पी के फिनिश करो, फिर बाटर बॉइल करके बेटा बहुत ज़्यादा इसको डांस क्लास में ना भेज देते हैं, अभी डांस क्लास में भेजते हैं जो खुल रहा है। अरे गाना बंद करो। तो गाइस अभी अरे मन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं भी जाती हूँ ना तो बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। भैया आ गए, भैया क्या कहे आपको समझ नहीं आया। तो इस ब्लॉग को हम ज्यादा बड़ा नहीं करते, अभी इसको कपड़ा पहनाएंगे, फिर हम लोग को यहाँ से 12 निकलेंगे, 12:30 टाइम नहीं, 11:30 बज रहा है मत। तो इनको क्यों आना पड़ा अचानक से हमारे घर पे, ये चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बड़ी सब तक इस ब्लॉग को एंड करते हैं।